आप सभी को नमस्कार। इस वक्त हम खड़े हैं नक्सल प्रभावित जिले कांकेर के अंतगढ़ ब्लॉक में, जहां पर विगत छत्तीसगढ़ में जो चार वर्षों से जो लगातार धर्मांतरण के नाम पर जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ जल रहा है, उसी विषय को लेकर आज हम यहां पर हैं अंतगढ़ ब्लॉक में। यहां पर भी विगत कई दिनों से एक गांव-गांव में जिस प्रकार से लोगों के मरने के बाद जो एक छोटी सी जो जमीन में जो दफन किया जाता है, यहाँ पे लोग उसमें भी जो यहाँ के जो रहवासी हैं उसमें भी रोड़ा अटकाते हुए नजर आते हुए अभी भी इस वक्त हम खड़े हैं। जिस प्रकार से अंतागढ़ में भी विगत अभी 15 दिनों से लगातार जो यहाँ पे जहाँ पे मसीह समाज के लोग है, जो एक धर्म विशेष समुदाय के जो लोग है, जो जहाँ पर अपना कफन दफन का कार्यक्रम जो करते हैं, जो अपनी प्रथा के जो करते हैं, वहां पर भी इस प्रकार से अब अवैध कब्जे की बात सामने आ रही। क्या हकीकत है, किस प्रकार का यह अवैध कब्जा है, आज हम इसी बात को जानने के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं मसीह समाज के जो संगठन है उनके कई पदाधिकारी आज हमारे साथ है। उनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से क्या वो अवैध कब्जा किए हैं या ये कुछ और दिशा में इस पे कार्य किया जा रहा है। इन सारी बातों से हम आज पर्दा को हटाएंगे। सर, सबसे पहले तो आपका नाम बताएंगे। मेरा नाम धर्म सिंह है। आप यहाँ पे मसीह संगठन में क्या है? मसीह संगठन का मेंबर हूं मैं। सर, विगत अभी 5-6 दिनों से अंतागढ़ में एक बहुत खबर आ रही है यहाँ से अंतागढ़ से निकलकर कि आप लोग मिशनरियों ने आपने जमीन कब्जा करके रखा हुआ है। कहाँ तक सच्चाई है और क्या बात के लिए आप लोगों ने जमीन कब्जा किया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने 2011 से प्रशासन से हमने मांग किया कि यहाँ मसीह समाज को कब्रिस्तान की आवश्यकता है करके, और प्रशासन लगातार हमारी मांगों को सुनता रहा। लेकिन जब नगर पंचायत जो है 2016 में हमको उस जमीन को, जिस जमीन को हमने कब्रिस्तान की जमीन मांग की है, लेकिन नगर पंचायत उस जमीन को अपने से प्रस्तावित करके सर्वसहमति से हमको उस कब्रिस्तान की जमीन को दिया। और उसके बाद हम लोग 2022 से जो है कंटिन्यू वहां पर कपन दपन का काम कर रहे हैं। और 2022 में ही आमाबेड़ा से क्या हुआ, आमाबेड़ा में एक घटना हुई थी जहां पर लाश को गाड़ा गया था, लेकिन उसको प्रशासन द्वारा ही निकाला गया प्रशासन के मौजूदगी में, और वो लाश यहां पर 2-3 दिन तक बहुत परेशानी का कारण रहा। तो यहां पर उस लाश को अंतागढ़ के उसका जो चिन्हित कब्रिस्तान है मसीह समाज के लिए, वहां पर प्रशासन की उपस्थिति में एडिशनल कलेक्टर, एडिशनल एसपी और एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार और पटवारी, इनकी मौजूदगी में बकायदा सबके साइन लेकर के उस कब्रिस्तान में प्रशासन द्वारा ही उस लाश को गाड़ा गया। उसके पश्चात लगातार गांव-गांव में जो दफनाने के लिए नहीं दे रहे हैं उसको प्रशासन से हम लोग जाते हैं, थाना में जाते हैं, जानकारी देते हैं। उसके पश्चात जो है प्रशासन उसको उठा के लाती है, तहसीलदार को बकायदा सूचित करती है, और तहसील का एक व्यक्ति यहाँ आता है, थाना का व्यक्ति आते हैं, वहां पर उपस्थित रहते हैं और बकायदा पंचनामा करके उस लाश को दफनाते हैं। 2 दिन पहले वहां पे चूंकि आप लोगों ने उसको तार से, आपने ये आरोप है कि तार से आप लोगों ने कब्जा किया था और उसे प्रशासन द्वारा तोड़ दिया गया है, क्या सच्चाई है? जब हमको चिन्हित कर दिया गया उस जमीन को, तो 6 महीना पहले, अभी नहीं है, 6 माह पूर्व हमको उस जमीन को पंचनामा के करके, मतलब पारा के कुछ लोग थे उनके उपस्थिति में चिन्हांकित किया गया, बकायदा पंचनामा किया गया। उसके बाद हम लोग जो जमीन हमको चिन्हांकित के रूप में दिया गया उसको हम लोग तार से अपनी सुरक्षा के लिए तार से घेर दिए। घेरने के बाद ये अभी की बात नहीं है और ना ही ये अवैध है, क्योंकि शासन द्वारा हमको चिन्हांकित करके दिया गया उस जमीन है उसको हम लोग तार से घेरे हैं और ये 6 महीना पूर्व घेरे हैं। ये अवैध कब्जा किसी भी रूप से नहीं हो सकता, क्योंकि हमको बकायदा हर डॉक्यूमेंट्स है प्रशासन के तौर से नापने का, हर चीज का, तो ये कहाँ से अवैध हो जाएगा। ये हमारे साथ और भी मसीह समाज के पदाधिकारी हैं, हमारे साथ हैं
चुन्नू सारवा जी, इनसे भी हम जानेंगे, सचिव हैं यहाँ के, इनसे जानेंगे कि क्या कुछ बात है। सर अभी दो दिन पहले जिस प्रकार से कार्रवाई हुई आप लोगों की, जो जो फेसिंग किया हुआ तार था उसको तोड़ दिया गया और वहाँ पे कई लगभग 25 से 30 कफन दफन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ये कफन दफन चूंकि कब्जे की बात सामने आ रही है, आप लोगों पे आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोगों ने जमीन मिशनरियों द्वारा कब्जा किया है, तो क्या आप लोगों ने वहां पे कफन दफन का कार्यक्रम शुरुआत किया और कब से किया, ये इस बारे में जानकारी दें। जैसे सभी लोगों को मालूम है जब आमाबेड़ा क्षेत्र में ये घटना हुआ, जब वो लाश को उखाड़ा गया, उसके बाद हॉस्पिटल में पड़ा था, उसका जो बेटा है वो कहीं चला गया, उस स्थिति में जब लाश, उसके माँ की लाश वहाँ पे सड़ रही थी, तो प्रशासन ने बाकायदा उस जगह में खुद से, जिसमें सभी अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे, एसडीएम से लेकर एडिशनल एसपी से लेकर एडिशनल कलेक्टर से लेकर एसडीएम, तहसीलदार, सभी उपस्थित थे और वहाँ पे उसको बाकायदा बड़ी रीति रिवाज से नियम कायदा से उस समय दफनाया गया और इसी के माध्यम से 2022 से शुरुआत हुई और जितने भी गांव-गांव में आमाबेड़ा क्षेत्र है और कोलीबेड़ा क्षेत्र है, ताड़ुकी क्षेत्र है, एक लंबी एक स्थान है, काफ़ी दूर है और वहां से मात्र एक अंतगढ़ है जो नगर पंचायत के द्वारा आरक्षित प्रस्तावित जमीन है जो मसीह कब्रिस्तान के लिए सुरक्षित किया गया है, उसी जगह में ये दफन कफन का कार्य शुरू हुआ है और तहसीलदार के आदेश के अनुसार उसका आदेश है हमें कि मसीह समाज की उपस्थिति में उस जगह को चिन्हांकित किया जाए, उसका प्रमाण पत्र हमारे पास है जो तहसीलदार ने दिया है और उसी के माध्यम से पटवारी और मोहल्ले के पार्षद और समाज के बहुत सारे लोग और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष उनकी उपस्थिति में उस जगह का सीमांकन किया गया, चिन्हित किया गया और हमको ये बोला गया कि आप इसमें आप क्या कर सकते हैं, खम्भा डाल के घिराव कर सकते हैं तार का। इसने कहा था, ये पटवारी थे और नाम बताएंगे, सांडिल्य है, जिन्होंने ये कहा कि अब सीमांकन हो चुका है, चिन्ह की थोक चुका है, ये आप लोगों को ये क्या है, सुरक्षित है, आप लोगों के लिए नाम से ये चिन्हांकित किया गया है, अब इसमें आप तार से घिराव कर सकते हैं। नक्शे खसरे में क्या दिखा रहा है? नक्शे खसरे में हमने पहले से जो हमको मिला है नगर पंचायत के माध्यम से, उस जगह का जो कागज है उसी को हमने प्रस्तुत किया और पटवारी ने प्रतिवेदन बना के तहसील ऑफिस में जमा किया, तहसील ऑफिस में ये सब का जो इंक्वायरी हुआ, जांच पड़ताल हुआ, जो दो दो तीन तीन प्रति जमा किया गया था नक्शा खसरा का और वो नगर पंचायत से जो दिया गया है प्रस्तावित, उस सबको जाँच पड़ताल के बाद तहसील कार्यालय द्वारा या तहसीलदार के द्वारा ये सब चिन्हांकित की बात आई और सीमांकन की बात आई, ये सब जांच पड़ताल के बाद ही मसीह समाज की उपस्थिति और अन्य लोगों की उपस्थिति में इसको हमें दिया गया या चिन्हांकित किया गया, क्योंकि चिन्हांकित होने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, उसको उस जगह में खंभा गाड़ सकते हैं, तो चिन्हांकित होने के बाद भी हमने क्या किया है, एक टेम्पररी खंभा गाड़ा है और उसमें तार का घेराव किया है, परमानेंट बाउंड्री हमने नहीं किया है और ना ही वहाँ पे किसी प्रकार का बोर्ड लगाया है क्योंकि ये टेम्पररी है जी। चूंकि चिन्हांकित और आवंटित जी, मैं दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, आपकी जो जमीन है वो चिन्हांकित हुई है आवंटित में जी, जी। तो आवंटन के लिए आपने किस प्रकार का अथर्क प्रयास किया, किस किस से बात हुआ और क्या कुछ जिला प्रशासन की क्या कुछ उसके लेकर रवैया था जी। जैसे कि मैंने कहा 2016 से नगर पंचायत के द्वारा हमें एक प्रस्तावित जमीन दिया गया और ये कहा गया कि मसीह समाज के लिए आरक्षित की जाती है, वहाँ 2016 के बाद हमने बार बार कलेक्टर महोदय से निवेदन किया, आवेदन दिए और काफ़ी बार हमने प्रयास किया, जन दर्शन था कूलर में, वहाँ पे भी हमने गया और अपना विचार रखा कि हमको कब्रिस्तान आवंटन किया गया, फिर मुख्यमंत्री जो यहाँ पे पोड़गांव में आए थे उस समय भूपेश बघेल जी थे मुख्यमंत्री के रूप में, उनके पास भी हमने गया और अपना आवेदन दिए, उसके बाद कलेक्टर महोदय के पास भी कांकेर में गए, वहाँ पर भी आवेदन दिए, इस रीति से आवंटन की प्रक्रिया चलती गई और उसके बाद हम बार बार जब तहसील ऑफिस में गए, एडिशनल कलेक्टर के पास अंतागढ़ में गए और उसका हम लोगों का बयान दिया गया और पूछा गया एक एक चीज, उसके बाद जब हम तहसील ऑफिस जनवरी महीने में 2024 में गए तो हमको ये बोला गया कि ठीक है, वहाँ बाहर से मौखिक रूप से बोला गया कि बाहर से आदेश आ चुका है, कलेक्टर साहब से आदेश आ चुका है, सीमांकन की प्रक्रिया जारी करेंगे और मार्च महीने में सीमांकन के लिए तहसीलदार के माध्यम से पटवारी
को आदेशित किया गया कि मसीह समाज की उपस्थिति में इसका सीमांकन किया जाए, मतलब कहीं किसी भी प्रकार का आप लोग उस जो जमीन है, जो कब्रिस्तान की जमीन है, उसे अवैध कब्जा आप लोग नहीं मानते। जी जी जी, अवैध कब्जा है सर, उसे बोलते हैं जो बिना किसी सूचना के, बिना किसी सरकार के या बिना परमिशन के, बिना कागज के उस जगह को चुपचाप कब्जा किया जाता है, जिसको समाज को ना ही गांव वालों को मालूम होता है। और इसकी जानकारी जो हमने घेराव किया है, इसके लिए सबसे पहले हमारे पास प्रूफ है, वो है नगर पंचायत का NOC है, प्रस्तावित है, जो सर्वसम्मति से अध्यक्ष और सभी पार्षदों की उपस्थिति में जो निर्णय लिया गया, निर्णय की कॉपी हमारे पास है, पहली बात। दूसरी बात है जो तहसीलदार के माध्यम से सीमांकन के लिए जो आदेश दिया गया है पटवारी को, वो है। और तीसरी बात जो सीमांकन के बाद में जो पंचनामा तैयार किया गया है, बकायदा तहसीलदार का सील के साथ हमको मिला है, उसी के बाद हमने क्या किया है, उसको तार से सुरक्षित किए हैं या टेम्पररी हमने खंबा डाल के तार का घेराव किए हैं। इसको अवैध करार नहीं दिया जा सकता। हमारे साथ और भी लोग हैं, और भी लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दा है, क्या कुछ बात है, कौन विरोधी लोग हैं जो इस प्रकार की, चूंकि बीते दिनों भी हम लोगों ने देखा कि कुछ लोगों के द्वारा कलेक्टर, तहसीलदार और जो यहाँ के अनुविभागीय दंडाधिकारी हैं, उनके द्वारा उनको ज्ञापन सौंपा गया था, और उसमें ये मांग की गई थी जिसके कि तत्काल वहां से जो मिशनरियों द्वारा जो कब्जा की हुई जमीन है, मैं एक बार फिर बोलूंगा कि कब्जा की हुई जमीन, चूंकि जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उनके द्वारा अवैध कब्जा उसे बताया जा रहा था, तो उसको तत्काल हटाने का कलेक्टर को अल्टीमेटम दिया गया था, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और दो दिन पहले ही जो फेसिंग किया हुआ तार था मसीह समाज के द्वारा, उसे हटा दिया गया। तो जानेंगे कि कौन ये विरोधी लोग थे। हमारे साथ और भी मसीह समाज से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो भी हमारे साथ हैं। सर, पहले तो आपका नाम बताएंगे। मेरा नाम कविंद्र कुमार है। सर, क्या मामला है और कौन विरोधी है जो इस तरह का जो विरोध जो किए, जो आप लोगों की जमीन जो चिन्हांकित की हुई जो कब्रिस्तान की भूमि है जी, तो हम लोग, मैं तो ये पहले कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम बार बार देखते हैं कि मसीह समाज को हमेशा भेदभाव से देखा जाता है और उनको उनका अधिकार नहीं देते हैं, और जो भी उनका है वो सब ले लेता है, उनको परेशान करने का काम करता है। और जिस प्रकार से हम देखते हैं नगर पंचायत से हमको जो वहाँ पंचनामा किया गया है मिलके, है ना, उसका सब पार्षद लोगों का दस्तखत है, सील भी है, पटवारी भी है, ये सभी लोग वहाँ पर उपस्थित थे। और ये जो भूमि का जो जो दिया गया है उसका है नक्शा है, ये यहाँ पर चिन्हांकित किया गया है, ये पटवारी का है, ये सब ऐसा करके है, तहसीलदार से भी हमको कागज मिला है, सील सहित, हाँ सील सहित, ये बहुत सारे कागजात हैं, फिर भी हमारे साथ जो है ये लोग जो है विरोध कर रहे हैं। और हमारे जो हम लोग घेरे थे तार को, उसको तोड़ दिया है, और मेरे ख्याल से उन लोगों को सूचित करना चाहिए कि हम लोग ऐसा कुछ कदम उठा रहे हैं करके, लेकिन वो हम लोग को सूचित भी नहीं किया है और जबरदस्ती बलपूर्वक उसको तोड़ तार दिया। प्रशासनिक अधिकारी थे जिन लोगों ने उसको तोड़ा है, सुनने में आए, हम लोग तो देखे नहीं है हम लोग को। क्या किसी भी प्रकार का कोई भी आपको नोटिस देके आपको कोई सूचना दी गई थी, कोई जानकारी दी गई थी? कोई सूचना नहीं दी गई है, कोई नोटिस भी नहीं दिया गया है, मतलब ऐसे ही आके तुरंत तोड़ के चले गए, ऐसे आके तुरंत तोड़ दिया। कौन है, इसमें भी हमको कुछ नहीं मिला है, कौन है इस तरह की शिकायत करने वाले? अब ये पता नहीं कौन लोग है, तो है ना, क्योंकि हम तो देखे नहीं है, और हो सकता है प्रशासनिक लोग है, वो लोग जानेंगे। सर, आपका नाम बताएंगे? राजेंद्र प्रसाद रामटेक है। रामटेक जी, चूंकि अब आगामी दिनों में किस प्रकार से मसीह समाज का क्या रणनीति रहेगी, चूंकि यहाँ पर गांव में भी कई बार सुनने में आता है कि गांव में भी दफन करने नहीं दिया जाता, और चूंकि ये एक मुख्यालय, एक तरह से मुख्यालय ही पड़ता है, ब्लॉक का मुख्यालय है ये, और यहाँ पर भी कब्रिस्तान को लेकर इस प्रकार की जो परिस्थितियां जो पैदा हो रही है, तो ऐसे में किस प्रकार की तकलीफों का सामना मसीह समाज को करना पड़ेगा और इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें जो जमीन दिया गया था उसे अवैध घोषणा किए हैं, तो अवैध कैसा हो सकता है जब तक किसी को अधिकार ना मिले, कि जैसे अब तहसील में आया होगा, तहसीलदार के पास में अधिकार, अब तहसीलदार ने पटवारी को दिया,
अब पटवारी हमारे सामने में जिसे अभी पूरे दिखा रहे हैं कि वास्तविक में हमारे साथ में इतने लोग थे और पूरे अगल बगल के लोग थे, जो बगल में लगा हुआ है वो भी मनुष्य था और वो भी हमारे साथ में साइन किया है और उस समय में कहा गया कि अब तुम्हारे हक में है, ठीक है। अब उसके बावजूद भी हमको आज के समय में जैसे उसे तोड़ा गया तो सिर्फ हमें तहसीलदार और पटवारी एक ही लफ्ज बोला, उसे हम लोग बहुत परेशान हैं, आज हमको हटाना है, आज हटाओगे कि कल हटाओगे। तो और इस शब्द के लिए और भी कहा कि कलेक्टर के पास में जाओ, तो हमने कहा उनके पास में जाएंगे तो उनका समय देखेंगे, फिर कलेक्टर रहेंगे तभी तो मुलाकात करेंगे ना। इन्होंने दूसरे दिन बगैर पूछे या बगैर कुछ बात किए उसे तोड़ दिए, चाहे प्रशासन के नाम से तो प्रशासन उनका बगैर हमें कुछ भी लिखित में नहीं दिए हैं और ऐसे कार्य किए हैं। कितने का नुकसान हो गया आपको? हमारा नुकसान तो लगभग लगभग 20 से 30 हजार के आसपास में है, पूरा नुकसानी हो गई है ना, पूरा तार को लपेट के कहाँ रखे नहीं मालूम, यानी कि जो गाड़े थे उसको उठा के ऐसे गिरा दिए हैं, फेंक दिए हैं, तोड़ दिए कमरे को। एक आखिरी सवाल है, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र है, क्या आप समझ रहे किस दृष्टि से देख रहे हैं? अब इसके लिए तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब ये राजनीतिक है या जैसे कि अब नगर के लोगों के हैं ये तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन हमारे लिए तो ये दुख की घड़ी है कि वास्तविक में कि हमारे जो सोच विचार था उसे उन लोग मैंने कि ये बदल डाले और हम लोग तो ऐसे कुछ भी नहीं किए थे, हमें तो जो दिया गया था उसी के अंदर में हम लोग घेरे रखे थे, कोई दूसरा नहीं किए थे, है ना। आज हमें इतने परेशानी होगी अगर कोई बाहर में कुछ हो जाता है, कल हमने बातचीत किया तहसीलदार से कि अगर कोई बाहर में आज के समय कहीं घटना घट जाती है तो हम लाएंगे तो कैसा होगा, तो उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं हूँ। तो अब हम गांव गांव में जैसे अभी अमाबेड़ा और जैसे कोयली बेड़ा या कहीं से आते हैं तो यहाँ पर उन लोग लिखे थे कि बाहर से लाते हैं, तो बाहर से कहाँ ला रहे हैं, हम तो छत्तीसगढ़ के हैं और इसी यानी कि कांकेर जिला के हैं, कहीं से कोई बाहर से तो ऐसे नहीं ला रहे हैं दफनाने के लिए, हम तो यहीं के लोगों को दफना रहे हैं और हमें एक ही मिला है। अगर कोई जैसे कि अमाबेड़ा का है तो मैं चाहता हूँ कि अमाबेड़ा वाले को भी मिले जमीन, और जैसे कि अपना इधर कोयलीबेड़ा है तो कोयलीबेड़ा वाले को भी मिले जमीन, ताकि उन लोग अपने आसपास में एक सारे कफन दफन का कार्य कर सके। और आज के समय में जैसे तहसीलदार बोला गया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो फिर आगे के लिए हमारे लिए बहुत ही रुकावट का कार्य दिख रहा है। तो ये थे हमारे साथ मसीह समाज के पदाधिकारी जिन्होंने कई प्रकार की चिंताएं व्यक्त की है, क्योंकि जो बस्तर जो संभाग जिसे कहा जाता है वहां पे विगत कई वर्षों से इस प्रकार की घटनाएं घटती हुई आ रही है कि गांव में भी जो मसीह धर्म में जो मसीह धर्म में जो विश्वास करते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की जब अगर उनकी किसी भी आकस्मिक अगर मृत्यु हो जाता है, निधन हो जाता है, तो उन्हें गांव में ही उन्हें गाड़ने उनकी जो शरीर है जो उनकी मृत शरीर रहता है उन्हें गाड़ने नहीं दिया जाता, जिसको लेकर कई प्रकार की वाद विवाद की परिस्थितियां भी निर्मित हुई है। और चूंकि जिस प्रकार से यहाँ के लोगों ने बताया कि बाहर से जो जहाँ पे विवाद की स्थिति बनती है वहाँ पे शासन प्रशासन की उपस्थिति में यहाँ पर जमीन का शरीर का कफन दफन किया जाता है, परंतु अचानक से इसे अवैध कब्जा बताया जा रहा है, जो कि वाकई में एक सोचने का विषय है, एक कई प्रकार के सवालिया निशान है, जबकि प्रशासन के लोगों की उपस्थिति में और प्रशासन की ही मर्जी से उस जमीन में जो यहाँ पे अवैध कब्जा जिसे बताया जा रहा है उन्हें वहां पर कफन दफन के लिए शुरुआत की गई। अब ये सोचना यह लाजमी होगा कि क्या कोई राजनीतिक द्वेष या राजनीतिक षड्यंत्र के जरिए एक विशेष समुदाय के लोगों के संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, हत्या किया जा रहा है, ये तो सोचने का विषय है और जांच का भी विषय है। कैमरा पर्सन नितेश कुमार के साथ रवि कुमार सोनकर, अंतागढ़ कांकेर।